भारत के महावीर योद्धा आला उदल की वीर गाथा के एपिसोड 98 में आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए श्रोताओं, आपका ध्यान उसी प्रसंग से जोड़ रहा हूं जहां माहिल बादोंगढ़ के राजा को बहका देता है और महाराज वीर साहब भी बहक जाते हैं। आग लगा दी उन्होंने कि जब तक आला उदल आगे आकर के भोजन कराएंगे तब तक हम भोजन नहीं कराएंगे। कुछ देर बाद महाराज परमाल ने एक पत्रवाहक को, एक हर कार्य को भोजन के आमंत्रण के लिए भेजा तो वीर साहब कहने लगे कि नहीं, जाकर के अपने महाराज से कह दो कि स्वयं महाराज आएंगे। जब हरकारे ने वापस जाकर के राजा परमाल से कहा कि महाराज वीर साहब ने यह कह दिया है कि स्वयं महाराज निमंत्रण देने के लिए आएंगे, तब हम भोजन करने जाएंगे। यह बात सुनकर के महाराज परमाल सोचने लगे, पुत्री का विवाह हो गया, भोजन कराना तो आवश्यक है ही, सामाजिक प्रथाएं और रीति रिवाज चली आ रही है। स्वयं महाराज परमाल वीर साहब के दरबार में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के उन्होंने अपना संपूर्ण वृतांत कहा कि यदि आला उदल तुम्हारे पास रहेंगे, भोजन को छुएंगे तो हम उस भोजन को नहीं करेंगे, तुम आला उदलों को इस दुर्ग से निष्कासित कर दो। ये बात सुनकर के महाराज परमाल कुछ आश्चर्य में पड़े, परंतु मन में सोचने लगे कि यदि इनको पुत्री का विवाह किया है और ये भूखे चले गए तो फिर हमारा क्षत्रिय धर्म नष्ट हो जाएगा। महाराज परमाल ने विचार किया और कह दिया कि तुम भोजन पर आओ, वहां तुम्हें आला उदल नहीं मिलेंगे। महाराज परमाल लौट करके आए, आला उदल वीर मलखान सबको एकत्र किया और उनसे कहा कि वीर योद्धाओं, एक विषम परिस्थिति आ गई है और इस कारण से आपको ये दुर्ग छोड़ करके 10 पूर्वा दुर्ग में चले जाना है। कहने लगे महाराज ऐसा क्यों? कि वीर साहब ने एक शर्त रखी है कि जब तक बनाफर भोजन को छुएंगे या भोजन को बनाएंगे उस भोजन को हम नहीं खा सकते और जिस क्षेत्र में बनाफर रहेंगे, इसलिए हमने पुत्री का तो विवाह किया है, इस कारण उसे भोजन कराना भी आवश्यक है, सो तुमसे निवेदन है कि तुम 10 पूर्वा दुर्ग में चले जाएं। आला ने महाराज परमाल का आदेश सुना तो उदल मलखान ढेबा आदि वीर योद्धाओं को लेकर के चल देते हैं 10 पूर्वा के दुर्ग के लिए और 10 पूर्वा के दुर्ग में आकर के बैठ जाते हैं आराम से। उधर देखिए क्या होता है, महाराज परमाल के निमंत्रण पर वीर साहब भोजन करने आ जाता है। वीर साहब ने अपनी संपूर्ण बारात को बड़े प्रेम से भोजन कराया। भोजन कराने के बाद महाराज से कहने लगे कि हे राजन, हे महाराज परमाल, आप तो वीर शिरोमणि हैं और राजाओं में श्रेष्ठ हैं, इन बनाफरों को आपने दरबार में क्यों रखा हुआ है? महाराज परमाल बोले कि राजन, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुमने भोजन किया, तुम्हारी शर्त को हमने माना, लेकिन तुम ये आग क्यों लगा रहे हो? वीर साहब बोले, ठीक है महाराज, बेटी की विदाई की तैयारी करो, हम इसी समय बारात को लेकर के प्रस्थान करेंगे। महाराज परमाल ने जब ये बात सुनी तो कहने लगे, ठीक है राजन, तुम तैयारी करो और हम बेटी की विदाई की तैयारी करते हैं। कुछ ही समय में वेदार्थी ब्राह्मण को बुलवाया, शुभ मुहूर्त देखा और पुत्री को विदा कर दिया इंद्रसेन के साथ। वीर साहब बड़े हंसी खुशी से चला जा रहा है और उसके साथ साथ माहिल वीर साहब से कहने लगे कि महाराज वीर साहब, देखो ये दुर्ग जो सामने आ रहा है, ये 10 पूर्वा नामक दुर्ग है और इसी में वो बनाफर बैठे हुए हैं, ये उन्हीं का दुर्ग है। महाराज परमाल ने यहां का किलेपति उन्हें बना रखा है। ये बात सुनकर के वीर साहब कहने लगे, होगा माहिल, क्या बात है, ठीक है उनके सेनापति हैं कि नहीं? महाराज ये बड़े नीच हैं, इनका दरवाजा आ रहा है दुर्ग का, उस दरवाजे पर सब थूकते चले जाओ, इनको इतना घृणित कर दो कि कोई भी इन्हें सम्मान की दृष्टि से ना देखे। ये बात सुनकर के वीर साहब को और अच्छा लगा, माहिल का प्रस्ताव समझ में आया
और आग लगा दी माहिल ने। वह काम किया माहिल ने जो नहीं करना चाहिए था। इतना कहकर के माहिल तो आगे बढ़ जाता है और वीर शाह ने अपने सैनिकों को रोक करके कहा कि सामने जो दरवाजा आ रहा है जिस दुर्ग का, उस दुर्ग के दरवाजे पर सबको थूक करके जाना है। यह बात सैनिकों ने सुनी, महाराज का आदेश था। तो दस पूर्वा दुर्ग का जब दरवाजा आया तो उस दरवाजे पर आकर के थूकने लगे। वीर आला ऊपर से देख रहे थे, अपने दुर्ग के ऊपर अपने भाइयों सहित विराजमान थे और वहां से देख रहे थे कि ये राजा क्या कर रहा है, इसके सैनिक दरवाजे पर क्यों थूक रहे हैं। एक दो की बात नहीं, ये तो सभी सैनिक दरवाजे से थूकते हुए निकल रहे हैं। वीर आला ने ऊपर से, दुर्ग के ऊपर से कहा कि राजन आपके सैनिक ये क्या कर रहे हैं। तो वीर शाह घमंड में आकर के कहने लगा, दुष्ट आला, तू नहीं जानता कि तुम नीच बनाफर हैं और तुम्हें ये दुर्ग रहने के लिए महाराज ने दे रखा है, तो ये थोड़ा नहीं है। और हमारे सैनिकों ने तुम्हें नीच समझा, इसलिए तुम्हारे इस दरवाजे से निकलते समय थूकते हुए चले जा रहे हैं। ये बात जब आला ने सुनी तो क्रोध में भर गया। आला का क्रोध जाग उठा, उदल और मलखान को आदेश दिया कि वीरो, इसके टटुआ टायर छीन लो, इसकी बारात को लूट लो और मार मार करके वीर शाह को भूत बना दो। वीर योद्धाओं ने जब यह बात सुनी तो सुनने की ही तो देर थी कि वीर आला, उदल, मलखान और ढेबा जैसे योद्धा एकदम से अपनी नगिन तेग खींच करके कूद पड़े। जब नगिन तेग लेकर के वीर शाह की सेना पर टूटे तो वीर शाह के सैनिकों ने कुछ देर तक तो युद्ध किया, परंतु आला उदल की लपटों में, आला उदल की मार में सेना के पांव उखड़ गए। वीर शाह ने और इंद्रसेन ने उदल को और मलखान को ललकारा कि तुम मारे जाओगे हमारे हाथों से। उदल वीर शाह के सामने पहुंच जाते हैं कि दुष्ट वीर शाह, ठहर, तेरी ताकत को, तेरे घमंड को, तेरे अहंकार को मैं चूर करता हूं। उदल और वीर शाह दोनों भिड़ जाते हैं, दोनों में घनघोर तलवारें चली, लेकिन कितने समय तक युद्ध करते। आखिरकार उदल तो उदल ही था, उदल ने वीर शाह को उठा करके जमीन पर डाल लिया और बंधक बना लिया वीर शाह को। वहीं इंद्रसेन को वीर मलखान ने बंदी बना लिया और जितनी भी सेना थी, साथी राजा थे, सबको बंधक बना लिया और बची हुई सेना भाग जाती है। जब वीर शाह ने यह देखा तो घबरा गया। वीर शाह ने उदल और मलखान से कहा कि तुम हमें बंदी से छोड़ दो, हमने तुमसे मजाक किया था, हम तुम्हारे कुछ रिश्ते में भी लगते हैं, तुम हमसे ऐसी गुस्ताखी कैसे कर रहे हो। ये बात जब उदल और आला ने सुनी तो आला को दया आ जाती है। आला ने सोचा कि महाराज परमाल की पुत्री चंद्रावल तो इनको विभाई गई है, इसलिए इन्हें छोड़ दिया जाए। हालांकि उदल और मलखान दोनों को मारना चाहते थे, लेकिन आला बोले, नहीं उदल, ये हमारे रिलेशन में हैं, हमारे संबंधी हैं, क्योंकि हमारी बहन चंद्रावल का विवाह इंद्रसेन के साथ हुआ है, इसलिए इन्हें मारना उचित नहीं है, इनको इतना ही दंड देना था, बंदी बना लिया, इनको अपमानित कर दिया, इनकी सेना के टटुआ टायर छीन लिए, अब इन्हें भेज दो। देखिए श्रोताओं, वीर उदल ने ऐसा ही किया, उनके जो भी छत्र, मुकाट, रथ, घोड़ा थे उनको भी छीन लिया और उन्हें लताड़ करके भगा दिया कि चले जाओ दोनों पिता पुत्र, भाग जाओ यहां से। जो राजा बंदी बनाए थे उन सभी राजाओं को रिहा कर दिया और वे सभी राजा मन में सोचते हुए, विचार करते हुए चले आ रहे हैं और महाराज वीर शाह से कह रहे हैं कि राजन, आपकी बारात में भले आए, मार्ग में युद्ध करना पड़ गया, यदि युद्ध महोबा में होता तो हम पूरी तैयारी से युद्ध करते, तुमने तो विदा होते समय युद्ध करवाया है और ये महाराज परमाल की कोई चाल है, राजा परमाल ने जान पूछ करके किया है। वीर शाह कहने लगे, हो सकता है ये राजा परमाल की चाल हो, तो हमें
यहां से चलना चाहिए और इस बात का महाराज परमाल से बदला लेंगे। देखिए श्रोताओं, ये सोच करके वीर सहा और इंद्र सहा चल देते हैं चंद्रावल के डोला को लेकर के। चंद्रावल का डोला लेकर के बौरीगढ़ में पहुंच जाते हैं। सेना हताश है, कुछ सैनिक भाग करके पहले पहुंच गए और कुछ छूटे हुए सैनिक वीर उदल ने और आला ने जिनको छोड़ा था वो पीछे पहुंच रहे हैं। राजा वीर सहा का मुंह लटका हुआ है और नगर में पहुंच जाता है और वहां ये विचार करके अपना दरबार लगाया और वहां ये विचार किया कि ये सभी चाल राजा परमाल की है, हमें अब इस राजा परमाल की पुत्री को भेजना नहीं है। जब तक उदल नहीं आ जाएगा तब तक हम इस पुत्री को वापस नहीं भेजेंगे, क्योंकि विवाह के बाद एक दो बार आना जाना होता है, वो आना जाना नहीं होगा। ऐसा सोच करके मन में क्रोध करके रिसा करके बैठ जाते हैं। देखिए श्रोताओं, यहां से आगे का वर्णन मैं आपको अगले वीडियोज में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। ये मैदान पूर्ण हो चुका है और अगले वीडियो में अगला मैदान आपकी सेवा में लेकर के पुनः उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।